हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मुनसिफ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि सर्दियों का सीज़न जा चुका है और गर्मियों का सीज़न आने वाला है या समर का सीज़न आने वाला है, तो आज हम एक होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि गर्मियों के सीज़न के लिए बहुत ही खास दवा है। गर्मियों के सीज़न में या समर के सीज़न में बहुत कॉमनली यूज़ की जाती है और जो भी कंप्लेंट्स होती हैं या जो प्रॉब्लम्स होती हैं समर के सीज़न में, उनको बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करती है। तो आज हम जिस मेडिसिन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है ग्लोनॉइन, या ग्लोनॉइनम भी इसे कहा जाता है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ग्लोनॉइन को हम किस बीमारियों में यूज़ कर सकते हैं, किस पावर में या किस पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं और इसको लेने का क्या तरीका होता है। तो अगर आप इस चैनल में पहली बार आएँ और आपको हमारे वीडियोस पसंद आएँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन को भी दबाएँ ताकि आने वाली ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम बात कर रहे थे ग्लोनॉइन की। ये नाइट्रोग्लिसरीन से बनी एक होम्योपैथिक मेडिसिन है और मोस्टली समर के सीज़न में यूज़ की जाती है, क्योंकि जो समर की प्रॉब्लम होती है या समर के सीज़न में जो कंप्लेंट्स होती है, ग्लोनॉइन उसको बहुत ही अच्छे से कवर करती है और बहुत इफेक्टिव है समर के सीज़न की प्रॉब्लम्स के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको हम अदर सीज़न में यूज़ नहीं कर सकते। हम ग्लोनॉइन को किसी भी सीज़न में यूज़ कर सकते हैं। अगर उसके सिम्टम्स मिल रहे हैं तो हम ग्लोनॉइन का यूज़ करेंगे और उतनी ही इफेक्टिव वो सारे सीज़न में भी होगी, लेकिन स्पेशली समर के सीज़न की मेडिसिन है। ग्लोनॉइन ऐसे लोगों में ज़्यादा अच्छा काम करती है जो कि नर्वस टेम्परामेंट के होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव जो लोग होते हैं और इजीली डर जाते हैं, छोटी सी चीज़ के लिए भी डर जाते हैं, तो ऐसे लोगों में ग्लोनॉइन बहुत ही अच्छा काम करती है। और साथ में अगर आपको मैकेनिकल इंजुरी के बाद कोई प्रॉब्लम हो रही है और या फिर हेयर कट के बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, स्पेशली हेडेक, अगर आपने हेयर कट करवाया उसके बाद अगर आपको हेडेक हो रहा है तो वहाँ पर ग्लोनॉइन बहुत ही अच्छा काम करती है। ग्लोनॉइन मोस्टली हेड और हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए यूज़ की जाती है, स्पेशली हेडेक के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। और अगर हेडेक आपको समर के सीज़न में हो रहा है या गर्मियों के मौसम में हो रहा है, जिसे हम सन हेडेक या सन स्ट्रोक भी बोलते हैं, उसके लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन है। अगर आप धूप में कहीं बाहर जाते हैं गर्मियों के मौसम में और उसके बाद अगर आपको हेडेक शुरू होता है, सन स्ट्रोक जिसे बोलते हैं, या फिर जब भी सूरज चढ़ता है उसके साथ साथ आपका हेडेक बढ़ता है और जैसे ही शाम होती है, इवनिंग होती है, उसके साथ साथ आपका हेडेक कम हो जाता है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन है ग्लोनॉइन। अगर आपको सन के एक्सपोजर के बाद हेडेक हो रहा है तो सबसे पहले आपको ग्लोनॉइन के बारे में सोचना चाहिए। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं सन हेडेक में ग्लोनॉइन के। ऐसे ही अगर आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे कि हाइपरटेंशन या बीपी बढ़ने की प्रॉब्लम है, और गर्मियों के सीज़न में आपको ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है और इसके वजह से आपको हेडेक होता है, बीपी बढ़ने की वजह से थ्रॉबिंग हेडेक होता है, ऐसा लगता है सर फट जाएगा, इस टाइप का अगर हेडेक हो रहा है, तो उसके लिए आप ग्लोनॉइन का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ग्लोनॉइन के पेशेंट्स को गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पाती या हीट बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पाती, इवन कि अगर घर में गैस में भी वो कुछ काम कर रहे हैं उसकी हीट से भी उनको हेडेक स्टार्ट हो जाता है। और जो लोग गैस का काम करते हैं या जो लाइट का काम करते हैं जिसके आसपास हीट होती है, तो उनमें भी हेडेक की प्रॉब्लम होती है, तो इस कंडीशन में ग्लोनॉइन बहुत ही अच्छा काम करती है। तो जब भी आपको गर्मियों के सीज़न में या समर सीज़न में धूप में बाहर जाने में या सन के एक्सपोजर में हेडेक होता है या अदर कोई प्रॉब्लम होती है, और ये प्रॉब्लम आफ्टरनून के टाइम में ज़्यादा होती है जैसे कि सूरज चढ़ता है, और शाम के टाइम प्रॉब्लम आपको कम हो जाती है, तो इस कंडीशन में आप ग्लोनॉइन का यूज़ करें। और ऐसे ही गर्मियों के मौसम में धूप में बाहर जाने से लू लग जाती है और बुखार स्टार्ट हो जाता है और हेडेक होने लगता है, इस कंडीशन के लिए भी ग्लोनॉइन बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। हम कॉमनली यूज़ करते हैं लू के लिए ग्लोनॉइन को समर के मौसम में। और एक सिम्टम होता है ग्लोनॉइन में, जो आपका हेड होता है और जो आपका ब्रेन होता है, ऐसा लगता है बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया है, और जो आपका स्कल है या जो खोपड़ी है वो बहुत छोटी है उसके लिए, उसके अंदर ऐसा लगता है कि आपका हेड समा नहीं रहा और कंजेशन होता है, तो इसके लिए भी ग्लोनॉइन बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। और ऐसे ही हेडेक की वजह से अगर आपको आँखों में प्रॉब्लम है, आँखों में दर्द है, भारीपन है, जलन है या रेडनेस है, तो उसके लिए भी ग्लोनॉइन बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। और फीमेल की कुछ प्रॉब्लम में भी ग्लोनॉइन बहुत ही अच्छा काम करती है, जैसे कि पीरियड्स आने वाले हैं या मेंसेस आने वाले हैं, वो मेंसेस ना आके उसकी जगह में हेड में कंजेशन होता है और हेडेक स्टार्ट हो जाता है, मतलब पीरियड्स की जगह आपको हेडेक स्टार्ट होगा, तो इसके लिए भी ग्लोनॉइन बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। ऐसे ही यूटेराइन हेमरेज के बाद आपको हैवी ब्लीडिंग हुई, उसके बाद अगर आपको हेडेक स्टार्ट हो गया है, तो उसके लिए भी आप ग्लोनॉइन का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही मीनोपॉजल एज, जबकि फीमेल्स के पीरियड्स या मेंसेस परमानेंटली बंद होने वाले होते हैं, 45 से 50 के बीच की एज होती है, उसमें हॉट फ्लशेस आते हैं, बॉडी में बहुत ही ज़्यादा हीट होती है, इंटरनली बहुत गर्मी लगती है, ऐसा लगता है बॉडी में आग फूक रही है, बहुत पसीना आता है, रेडनेस होती है, तो इस टाइप के जो हॉट फ्लशेस होते हैं
उसके लिए भी ग्लोनोइन बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो ये सब कंप्लेंट्स जो मैंने आपको बताया उसके लिए आप ग्लोनोइन का यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ग्लोनोइन को आप किस पोटेंसी में या किस पावर में यूज़ करेंगे, तो ग्लोनोइन को आप 30 व 200 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि अगर आप एक्यूट कंडीशन के लिए ले रहे हैं तो आप 200 पोटेंसी का यूज़ कर सकते हैं, दो तीन दिन चार दिन मेडिसिन को लें और बंद कर दें। अगर आप क्रॉनिक कंडीशन के लिए ले रहे हैं तो 30 पोटेंसी यूज़ करें और इसको थोड़े लंबे टाइम तक भी ले सकते हैं। तो आपको लेना कैसे है, अगर आप 30 ले रहे हैं तो 30 पोटेंसी की दो बूंद डायरेक्ट टंग में लेना है दिन में तीन बार, एक बार सुबह, एक बार दोपहर में और एक बार रात में। लेकिन मेडिसिन लेने के 15-20 मिनट पहले आपको कुछ नहीं खाना है और मेडिसिन लेने के बाद 15-20 मिनट बाद कुछ नहीं खाना है, इस टाइप से आपको मेडिसिन लेना है। तो मैं आशा करता हूँ जो भी इस वीडियो में मैंने आपको ग्लोनोइन के बारे में बताया है वो समझ आया होगा और वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको कोई प्रश्न है ग्लोनोइन से रिलेटेड या अदर किसी टॉपिक से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप हमसे ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर हमसे व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।